हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यार आज फिर से चल दिए हैं भाई, कहाँ पे, अपने महिंद्रा थार को लेके सर्विस सेंटर के लिए, मतलब सर्विस सेंटर जो कंपनी में अपनी उसमें, ठीक है। इसकी सर्विस फर्स्ट सर्विस है, आपको दिखा देता हूँ भाई कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। 1146 किलोमीटर। अगर किसी भाई ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो भाई वो जाके देख सकता है कि महिंद्रा ने मुझे वापस क्यों भेज दिया था, कि हम नहीं कर रहे भाई आपकी सर्विस, आप कृपया जा सकते हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं भाई, हम कृपया आ जाएंगे, आज हम कृपया करके जा रहे हैं, तो क्या पता आज हमारी सर्विस हो जाए। यार वो ये महिंद्रा गाड़ी ले तो ली, बट रोना रहेगा जिंदगी भर के लिए ना, सर्विस में इतना डिले कर देते हैं महिंद्रा और टाटा, ठीक है। देखो टू बी फ्रेंक बात कर रहा हूँ भाई आपसे, जो बात है भाई वो बात, जिन भाइयों ने पैसे फूक रखे हैं ना, 18-20 लाख-25 लाख सफारी ले रखी है, जिन जिन भाइयों ने 100-700 ले रखी, मतलब महिंद्रा की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या फिर टाटा की, उनको भाई पता होगा कि कितना रोना होता है भाई इनके महिंद्रा और इसके टाटा के पीछे ना। मतलब भाई उस दिन उन्होंने बोला था, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। भाई मैं मारुति की इतने सालों से सर्विस करवा रहा हूँ, हुंडई की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है भाई, वहां तो कहीं भी वो नहीं लेनी पड़ती अपॉइंटमेंट। 24 गाड़ी आती है उन पे, एक दिन में 24 गाड़ियों की सर्विस नहीं होती, मेरे 25वां नंबर लग रहा था, बट मन का कोई नहीं भाई चले जाएंगे, महिंद्रा है थोड़ा झेलना तो पड़ेगा ही। फिर मैं आज 2 दिन बाद जा रहा हूँ, आज देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसका क्या सीन रहता है, जो भी है वो आपको सारा इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा भाई। बाकी ये देखो भाई गाड़ी अपनी, मतलब ऐसे वो ये यार महिंद्रा थोड़ी सी कंपनी के उससे थोड़ा सा वो करना पड़ता है, बाकी गाड़ी है ना जो भाई महिंद्रा 3 डोर है, जो थार आए हाय, मतलब जैम है भाई, जैम बिल्कुल। ये जो 5 डोर आ रही, देखो अब ये बहुत से भाई, और मैंने पिछली वीडियो डाली थी जो उस पर कमेंट आ रहा था, या फिर मैंने इंस्टा पर रील डाली थी, वो भी रील अच्छी मतलब टच की हुई है, बढ़िया चल रही है वो, भाई कमेंट आ रहा है कि भाई आपके पास 3 डोर है तो आप 5 डोर की बुराई करोगे ही। भाई हम बुराई नहीं कर रहे, 3 डोर थार है ना भाई, वो मैं बता रहा हूँ बेस्ट है। जो कंपनी एक बार प्रोडक्ट निकाल देती है ना भाई, वो बेस्ट ही होता है, उसमें फिर मॉडिफिकेशन कर करके ऐसी की तैसी कर देती है। जो पहले स्विफ्ट आती थी 2014-15 में, वो वाली स्विफ्ट देख लो और आज की स्विफ्ट देख लो, फर्क आपको पता चल जाएगा। आपको इस वाली गाड़ी में मॉडिफिकेशन मिलने वाली है, हेडलाइट्स वगैरह तो मैंने चेंज करा रखी है, पुराने वाले भाई देख रहे होंगे तो उन्हें पता ही होगी कौन से वाली डलवाई हुई है मैंने। बाकी बहुत जल्दी भाई आपको इसमें अलॉट डलने वाले हैं, बहुत तगड़े वाला, बहुत तगड़ा पैटर्न डलवाऊंगा, जो भी डलवाऊंगा ना बिल्कुल मस्त वाला ना, आप बताना। रील वगैरह आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही होगी, वहां पे जाके फॉलो कर लेना अपने भाई को, बहुत मस्त मस्त रील आने वाली है भाई। अब की बार ना इस थार की ऐसी बनवा दूंगा इस थार को। बाकी अगर इसकी एवरेज वगैरह की बात करो तो भाई करंट में 12 की एवरेज दे रही है मेरी गाड़ी, देखो, क्योंकि अभी ना रनिंग इसकी ऐसी हो रही है प्यार से, थोड़ी अभी ऑफ रोडिंग में भी नहीं गई है तो अभी मौज आ रही है इसकी, जब ऑफ रोडिंग में खेत में उतरती है तो 8-9 की देती है फिर। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है 5 डोर का, 5 डोर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो आपको, आप बताना भाई हमें, क्योंकि यार पेट्रोल में अगर जिन भाइयों को पेट्रोल लेनी है और 4x4 लेनी तो यार उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है इसका मतलब। इतनी भीड़ है क्या ही बताऊँ। अब जैसे तैसे 1 घंटे बाद एक बंदा लौट हुआ है, अब ये गाड़ी अंदर लेके आ रहा है, मतलब भाई बताऊँगा, गाड़ी में बैठ के बात करूँगा आराम से। गाड़ी तो जैसे ऐसे ले आए अंदर, बाकी देखो सर्विस में कितना टाइम लगा, देखो लाइन देखो एक बार गाड़ियों की ना, ये महिंद्रा और टाटा लेनी है तो ये चीज तो सहनी पड़ेंगी देखो, है ना। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सामान ले लिया अपना, अब बैठते हैं। भाई ये देख लो, अब तक मतलब ये पता थी मुझे कि चेचिस भी बदल जाते हैं, बट यार ये पूरी बॉडी भी बदल देते हैं महिंद्रा, तो देखना भाई थार की बॉडी रखी है ना, थार 3 डोर की, और भाई पूरी बॉडी इंजन वगैरह सारा स्वैप कर देंगे इसमें, पीछे से ही आई होगी महिंद्रा से ही कहीं से, मतलब देखो ये इंजन का वो है और पीछे पूरी बॉडी रख, मतलब वो अपना अंदर का इंटीरियर वगैरह देखो सारा। भाई वॉशिंग की स्लिप रख दी है गाड़ी में, और मतलब कुछ चेक करा है नहीं कि भाई सारी चीज़ कंप्लीट है या नहीं, सीधी वॉशिंग के लिए जा रही है इसी लाइन में से गाड़ी, मैं व्लॉग में दिखाता भी आ रहा हूँ आपको, वॉशिंग की पर्ची रख दी यहाँ पे बस। अब मैं पूछ रहा था भाई सर्विस कितनी देर में होएगी, अगर नॉर्मल चेकअप तो करो यार, सब चीज़ पूरी है नहीं है, ब्रेक वगैरह क्लच वगैरह, बोल रहे हैं वॉशिंग के लिए जा रही है, होगी सर्विस आपकी, उनका ये सही है। वॉशिंग के लिए आ गई भाई गाड़ी अपनी, तो क्या ही हो गया।
ਛੱਡਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇਬ ਚ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਆਸ਼ਵਾਸ ਚ ਫੁਕਰਾ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਖਾਸ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਆ ਨੀ ਤਾਸ ਚ ਟੁੱਟੜਿਆ गाड़ी की वॉशिंग वगैरह तो भाई हो गई है, अब पॉलिश वगैरह लगेगी, बाकी लाइन लग रही है, पता नहीं कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, यहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। गाड़ी में इतना टाइम नहीं लगाए थे जितना यहाँ से अंदर और अंदर से बाहर ले जाने में लगा रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। गेट पास वगैरह सब चीज मिल गए हैं, बस अब यहाँ से जा रहे हैं। वो टाइम और दिखा देता हूँ आपको टाइम कितना हो रहा है। तो भाई गाड़ी करवा ली है अपनी फुल, पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी है, सर्विस करवा के जस्ट निकल आई हूँ। तो सोचा वीडियो नहीं बनाई मैंने इसलिए, उनका भाई क्या ही दिखाना पेट्रोल फुल डीजल फुल करा के ना। बाकी इसकी रेंज वगैरह अब यहीं से पेट्रोल पंप से चली नहीं है, रीसेट कर देता हूँ। है ना, देखो 794 किलोमीटर इसकी रेंज आ रही है, ये देखो कार इन्फो फ्यूल इन्फो, और एवरेज को कर देता हूँ भाई अब रीसेट। है ना, देखो 794 किलोमीटर इसकी रेंज आ रही है, बाकी देखते हैं कितनी किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है। अब इसमें तेल नहीं डलवाऊंगा, पहले कट तक मेरी गाड़ी जो वो भाई, या तो एक दिन ऐसी फीलिंग आई थी जब ये गाड़ी की डिलीवरी थी, या फिर अब सर्विस करवाने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ भाई किसी नई गाड़ी में बैठे हैं। तो भाई देखो सर्विस एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था, बाकी टाइम लगता है भाई। देखो एक्सपीरियंस तो खैर क्या ही बताऊँ, टाइम लगता है खूब ठोक के। ठीक है, अगर महिंद्रा में सर्विस करवाने जा रहे हो तो भाई 5-6 घंटे निकाल के जाना, वो भी मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया था तो मुझे गाड़ी की चाबी मिल गई 2-2.5 बजे के लगभग कि हाँ भाई आप जा सकते हो। वरना अगर आप 11 बजे पहुंचोगे ना शाम तक आएगा भाई आपका नंबर, पहले बता दे रहा हूँ मैं। ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं भाई इसका। बाकी गाड़ी देख सकते हो फुल चमक रही है, अब इसमें अलॉयज की वारी है, अलॉयज की कई कमी खल रही है ना इस गाड़ी में। बाकी फर्स्ट सर्विस का मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसी नॉर्मल भाई गेट से बाहर ही चेकअप भी किया था, नहीं किया था वो तो मैंने आपको पहली व्लॉग में बता दिया था। मतलब ऐसी करते हैं देख हवारी अपना, बस वॉशिंग करके मुझे गाड़ी दी थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। अगर सेकंड सर्विस जब होगी वो उसमें पेड होगी उसको बताता हूँ मैं आपको क्या क्या सीन रहता है, क्या क्या चेंज होता है जो भी चीज़ है। बाकी गाड़ी चमक रही है मेरी फुल, है ना। अगर तो भाई देखो कोई और भाई किसी को डाउट हो थार 3 डोर से रिलेटेड तो भाई मुझसे पूछ लेना। 5 डोर भैया, 5 डोर हमारे बस की नहीं है, लेनी पेट्रोल 4x2 है भैया, आपने को पसंद है डीजल और 4x4, और इतने रुपए हैं नहीं कि भाई 28 लाख रुपए में उस यूजलेस गाड़ी को ले लूँ कि 2 सीट पीछे रख दी और अपना 10 लाख रुपए 2 सीट के लिए दे दूँ। भाई इतना पैसा वेस्ट मतलब वो करने के लिए नहीं है हमारे पास। बाकी अगर आप यहाँ तक बने हो तो गाइस वीडियो में यहाँ तक बता देना भाई वीडियो कैसी लगी, कैसी मेरी वीडियो थी। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़।